जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट अपने तमाम 80 यूनिट्स के ज़रिए से और मरकजी दफ्तर श्रीनगर से हर महीने शनाख्त शुदा बीवाओं के घरों में अशाई खुर्दनी की जो चीज़ें होती हैं हर महीने अदा करता है ताकि वो अपने चूल्हे जला सकें, ताकि वो अपने बच्चों को खिला सकें, पिला सकें। माह रमज़ान के दौरान हम एक खसूसी प्रोग्राम करते हैं जिसमें इन घरों को, जो हज़ारों की तादाद में हैं, इनको हम पहले ही एक डाइटरी किट देते हैं जिसमें इनकी खुर्दनी अशिया की तमाम चीज़ें होती हैं जो इनको घर के अखराजात और इंतज़ाम करने में मुआविन साबित होते हैं। तो ये किट हम हर जगह पर अपने इसी यूनिट के ज़रिए देते हैं। आज हमने यहाँ गुलशन बनात हॉस्टल, जो हमारा यतीम खाना है गोपालपुरा में, सब ऑफिस गोपालपुरा की तरफ से हमने आज एक प्रोग्राम रखा जिसमें यहाँ की जो मलिका इलाकों के जो करीबन 250 के करीब घराने हैं जिनमें दिवाई हैं, मुफ्लिस हैं और माजूर लोग हैं, उनको हमने आज यहाँ पर वही डाइटरी का किट दे दिया जिसकी कीमत 1500 रुपया है। हर किट की कीमत 1500 रुपया है जिसमें खुर्दनी तेल है और चाय है और हल्दी, मिर्च, नमक और दूसरी तमाम जो चीज़ें होती हैं घर में ज़रूरत, वो सब हम इनको आज दे रहे हैं। तो आज हमने उसी हवाले से यहाँ ये तकरीब मुनक्कद की ताकि इन घरानों को माह रमज़ान के दौरान सहूलियात बहम पहुँचा सकें। इस तरह से हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है ये हमने इनके लिए मुनक्कद किया और बाकी जो महीने का जो इनको राशन मिलता है वो तो हर महीने चलता रहेगा, लेकिन आज के डेट में हमने ये खसूसी प्रोग्राम माह रमज़ान के लिए रखा था। ये दीवाई जो है इन्होंने सुख का सांस लिया जब इनको ये चीज़ें मिली, डाइटरी अशिया और ये खुराक की अशिया मिली, इनको सुकून मिला और उन्होंने तमाम का शुक्रिया किया। जो तमाम हमें पैसा देते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम इनको ये सहूलियात बहुत पहुँचाते हैं। हमें गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं मिलती है, कहीं से कोई इमदाद नहीं मिलती है, सिर्फ लोगों की मदद से हम ये काम चलाते हैं। तो हम अपील करते हैं अपने लोगों से, अपने जो साहिब निसाब लोग हैं, हमारे आले सरबत लोग हैं, कि वो दिल खोल कर जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट को अपनी ज़कात और सदकात अदा करें। जो रजिस्टर्ड इदारा है, जो 47 साल से यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं की मदद करता आ रहा है, हमें अपनी इमदाद से नवाजें ताकि हम मुफ्लिस और मफलूस और माल ग्राम को मदद पहुँचा सकें।